हेलो एवरीवन, वेलकम टू राधे टेक वर्ल्ड। दिस इज राखी सिन्हा हियर। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हम फाइल को सेव कैसे करते हैं, ओपन कैसे करते हैं, सेवर्स कैसे करते हैं। तो चलिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन कर लेते हैं। इस स्टेप से हमने एक फाइल को ओपन कर लिया है। अब यहाँ पे हम कुछ भी टाइप कर सकते हैं। ये हमने यहाँ पे एक टेस्ट को टाइप कर लिया। अब ये हमारा फाइल है, अब इसे हमें सेव करना है। देखिए टाइटल बार में डॉक्यूमेंट वन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड लिखा हुआ है, तो हमें इसे सेव करना है। सेव करने के लिए आपको सबसे ऊपर में ही आपको ऑफिस बटन मिलेगा। यहाँ पे जब आप क्लिक कीजिएगा तो बहुत सारे ऑप्शन आपको मिल रहे हैं। तो सबसे पहले हम इस फाइल को क्या करेंगे, सेव कर लेंगे। यहाँ जैसे ही आप इसको सेव कीजिएगा, ये फाइल आपका ऑप्शन ओपन हो जाता है और आपको जहाँ आपको सेव करना है वहाँ पे इसको आपको जिस नाम से इसे सेव करना है वो नाम आप इसे देके सेव कर सकते हैं। ये आपका फाइल क्या हो गया, सेव हो गया। देखिए आप टाइटल बार में अब यहाँ जो नाम आपने दिया वो नाम यहाँ पे आपको शो हो रहा है। तो ये फाइल हमारा सेव हो चुका है। अगर आप चाहते हैं कि इसी फाइल को आप किसी और नाम से किसी और लोकेशन पे सेव करें, तो यहाँ पर फिर आप ऑफिस बटन पे जाइए और यहाँ पे आपको सेवर्स का ऑप्शन भी मिल जाता है। जैसे ही आप सेवर्स के ऑप्शन को ओपन करेंगे, यहाँ पर एक स्क्रीन ओपन हो जाता है। अब आप इसी फाइल को किसी और नाम से भी सेव कर सकते हैं और दूसरे लोकेशन पे भी। जैसे आपने पहले डेस्कटॉप पे किया, तो अब आप चाहते हैं कि सी ड्राइव, डी ड्राइव, किसी पे भी आप सेव करना चाहते हैं, तो वहाँ पे जाके इस फाइल को आप क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। जैसे मैं अभी डी ड्राइव पे कर दे रही हूँ, डी ड्राइव पे, और यहाँ पे जाके आप इसे सेव कर लीजिए। तो ये फाइल आपका उस नाम से दूसरे नाम से भी सेव हो गया है, दूसरे लोकेशन पे। नेक्स्ट है, अगर आपने ये फाइल पे काम कर लिया, अब आप चाहते हैं कि इस फाइल को आप प्रिंट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपको प्रिंट का ऑप्शन मिल जाता है। जैसे ही आप प्रिंट का ऑप्शन करेंगे, यहाँ आपका प्रिंट का एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, आप ओके करके प्रिंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है, अगर आप चाहते हैं कि आप काम कर रहे हैं और आपको यहीं पर कोई और भी फाइल ओपन करना है, तो आप यहां से किसी भी फाइल को ओपन कर सकते हैं। जैसे ही आप ओपन पे जाएंगे, जो भी आपके पास फाइल होगा, वर्ड, एक्सेल या जो भी आपको फाइल खोलना है, वो यहां से आप ओपन कर सकते हैं। यहां पे आप जैसे अभी हम जिस फाइल पे हैं और हमें कोई और फाइल खोलना है, तो आप यहाँ से उस फाइल का नाम, उस फाइल को ले लीजिए और यहाँ से ओपन कर दीजिए, आपका फाइल यहाँ से ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट है, यहाँ से आप न्यू फाइल भी ओपन कर सकते हैं। जैसे अभी आप इस फाइल पे काम करें और आपको आप नया फाइल चाहिए, तो यहाँ से आप ऑफिस बटन पे जाइए और न्यू पे क्लिक कीजिए। न्यू पे क्लिक करने पे आपको ब्लैंक डॉक्यूमेंट का ऑप्शन मिलता है। ब्लैंक डॉक्यूमेंट में जाइए और फिर से क्रिएट कीजिए, आपको एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट मिल जाएगा। यहाँ देखिए डॉक्यूमेंट टू लिखा है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, मीन्स कि आपको फिर से एक नया डॉक्यूमेंट मिल गया। अगर आप फाइल पे काम कर रहे हैं और आपको फाइल को क्लोज करना है, तो यहाँ से आप फाइल को क्लोज भी कर सकते हैं। जैसे मैं कर रही हूँ, अभी क्लोज कर रही हूँ, तो ये आपका फाइल जो है वो क्लोज हो गया। तो इस टाइप से मैंने आपको बताया ऑफिस बटन के बारे में कि ऑफिस बटन में बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, न्यू, ओपन, सेव, सेवर्स, प्रिंट एंड क्लोज। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहें। तब तक के लिए टेक केयर, घर पे रहिए। बाय।